जुड़े आज मौजूद राजधानी लखनऊ कैसरबाग के सुहास विलास चौराहे पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये 29 तारीख की घटना जो हापुड़ में पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई थी अधिवक्ताओं को लेके, और उस अधिवक्ताओं में काफी रोष है। जब से ये घटना हुई है तब से वकील यहाँ पे लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल अवध बार की तरफ से हाईकोर्ट में किया गया था, आज लखनऊ बार एसोसिएशन की तरफ से ये आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। काफी अधिवक्ताओं में काफी रोष है उस घटना को लेकर। आइए अभी आप तो कुछ अधिवक्ताओं से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे क्या उसका कहना है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में अधिवक्ताओं में कितना रोष है हापुड़ की घटना को लेकर। ये धरना स्थल से स्वास्थ्य विभाग चौराहे पे आ गए हैं और प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आई पी अधिवक्ताओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। आइए हमारे साथ अधिवक्ता हैं, कुछ पंचायत के उन्होंने भाई नकुल शर्मा कभी अमेठी से। देखिए कि तार तार हो रहा है आज न्याय तंत्र देखो, तार तार हो रहा है आज न्याय तंत्र देखो, इसी की तो लाज तो बचाओ मेरे भैया। और सभी अधिवक्ताओं भर लो उंघार, इन पुलिस वाले गुंडों को सबक सिखाओ मेरे भैया। तार तार हो रहा है आज न्याय तंत्र देखो, इसी की तो लाज को बचाओ मेरे भैया। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मारा गया, क्या करती है सरकार कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मारा गया और बहनों के लिए दुःशासन पुकारा गया। और योगी मोदी शर्म करो, हाय दैया दैया। लोकतंत्र तार तार हो रहा है आज न्याय तंत्र देखो, इसकी तो लाज को बचाओ मेरे भैया। और मेरे पदाधिकारियों के लिए क्या है कि मैदान में आ जाओ अब, मैदान में आ जाओ अब यूपी के खेवैया। सारे सबसे मैं आह्वान करता हूँ कि अधिवक्ताओं के संरक्षण में कि मैदान में आ जाओ अब यूपी के खेवैया। तार तार हो रहा है आज न्याय तंत्र देखो, इसकी तो लाज तो बचाओ मेरे भैया। और पुलिस वाले गुंडों को सबक सिखाओ मेरे भैया। जय हिंद जय भारत, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। पुलिस बहुत बढ़िया, अपने शब्दों को कविता की पंक्तियों में उन्होंने किस तरह से पिरोया आपने सुना। और भी कुछ अधिवक्ताओं से बातचीत करेंगे और सुनाएंगे आपको। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस प्रशासन ने अपनी पोजीशन वगैरह संभाल रखी है, बैरिकेटिंग कर दी गई है कि वकील उस साइड अधिवक्ता लोग जा ना पाए, और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। और तनाव की स्थिति बनी हुई है और अधिवक्ताओं के द्वारा जो धरना स्थल से चौराहे पे एकदम से भीड़ आई और नारेबाजी, उसको लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। आइए हम लोग से बातचीत करने के लिए कुछ अधिवक्ता हैं। सर क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? यह ईश्वर चंद नाम है, मैं पूर्व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हूँ। पूछिए सर, जो घटना हुई है विरोध प्रदर्शन लगातार आप लोग कर रहे हैं लेकिन सरकार वालों की मांग नहीं कर रही है। कल अवध बार में हुआ, हाईकोर्ट में आज आप लोग यहाँ। जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये पुलिस प्रशासन की गुंडई को संरक्षित कर रही है और आगे बढ़ा रही है। किसी भी थाने में कभी कोई FIR नहीं दर्ज होती, ना ही अधिवक्ता की कोई कार्रवाई सुनी जाती है, अधिवक्ता के खिलाफ कोई मुकदमा लिया जाता है। हापुड़ में इतने दुख की घटना हुई है, हापुड़ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, CO द्वारा घुस के लाठीचार्ज कराया गया, ATM के पास लाठीचार्ज कराया गया, होटल में लाठीचार्ज कराया गया। उसके बाद हापुड़ के आंदोलन किया गया, यूपी बार काउंसिल ने आंदोलन किया, लेकिन मुख्यमंत्री पे सरकार पे किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, जिससे अधिवक्ता बहुत आक्रोशित है। और अधिवक्ताओं का आंदोलन तब तक शांत नहीं होगा जब तक ये अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू करते। आइए हमारे साथ बात करते कुछ महिलाएं भी हैं। मैम ये सारा घटना जो है महिला पे हुआ था, तो उसको लोग आप लोग के बीच में क्या मन में चल रहा? हम लोगों के मन में यह की है कि आज तक ये रिकॉर्ड है कि कभी भी जो है महिलाओं के ऊपर कभी कोई अत्याचार नहीं हुआ, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये पहली घटना है कि महिला, वो भी महिला अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और पुरुष द्वारा लाठीचार्ज हुआ है, वहाँ कोई महिला जो है मौजूद नहीं थी। मैम मौजूदा सरकार है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, नारी को आगे ले आने की बात करती है, लेकिन जो घटना हो रही है उस पे लेके कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप लोग के मन में सरकार को लेके क्या चल रहा है? सुनिए सर, ये जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनसे कह दो कि जाके मठ में बैठे, ठीक है, इनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला रहे हैं ना, बेटी को पढ़ाओ नहीं, बेटी को आग में झोंको।
जब इलेक्शन आता है सरकार जब भी इलेक्शन आता है मैम, सरकार महिलाओं को लेके योजनाओं के बारे में दबरती है, लेकिन घटना पे चुप। पहले मेरी सुनिए, अगर आप उत्तर प्रदेश नहीं पूरे यूपी का चुनाव आप बैलेट पेपर पे करा ले, 2024 में साफ ना हो जाए तो जो कहिएगा करेंगे हम। महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार, कभी कुछ नहीं किया, उसका शोषण हो रहा है। क्या क्या कारण है मैम जो सरकार इस इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी वहाँ के एसपी और डीएम को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया? हापुड़ में जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, महिलाओं को लेके कोई भी सुरक्षा नहीं हो रही है ना वहाँ ना यहाँ पे। और हम लोग, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग शांत हो जाए, कैसे शांत हो जाए? हम लोग की कोई मांगे भी नहीं पूरी हो रही है मैम। आज आप लोग का प्रदर्शन क्या यहाँ रहेगा या आप लोग आगे तक जाएंगे? आगे तक जाएगा, जब तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा अंत तक जाएगा। जब तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जहाँ कर जो भी करे हो वो अपनी लड़ाई लड़ना है, हम अपनी लड़ाई लड़ना है, तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर लड़ेंगे। तो जैसे कि आपने सुना, इन महिला अधिवक्ताओं का साफ कहना था कि सरकार वादे बातें तो करती है बड़े बड़े, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। अब सरकार को सोचना चाहिए, जो इस तरह की घटना हुई है कम से कम उससे संज्ञान लें, वहाँ के एसपी एडीएम पे कार्रवाई करें, ताकि इन लोगों को। हम आपको बता दें, ये तो अधिवक्ता भाई है हमारे जो न्याय जानते हैं। अगर कभी क्षेत्र में आप चले जाइए, वहाँ पे संपत्ति के बंटवारे में पुलिस 20-20 हजार रुपए ले गए और वहाँ पे दखलंदाजी करके उनको रात भर गायब रखती है, और रात में जो उनको गांजे के मामले पता गए वो सवेरे उनसे पैसा हटती है, उनको धमकी देती है कि हम जेल दे देंगे। आप जो ये गुंडागर्दी का सबूत देख रहे हैं, ये सिर्फ योगी जी के हथियार हैं, सिर्फ ये योगी के हथियार हैं। और अगर उनके अंदर सच्चाई होती तो ये कह रहे हैं कि 2000 बड़ी पब्लिक से वो क्यों डर रहे हैं। आपने सुना कि महिला अधिवक्ताओं में काफी गुस्सा है और बैनर लिए हैं, वी वांट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। मैम ये बताइए, जो हापुड़ में महिलाओं को जो पुलिस ने मारा, उसको लेके कई दिनों से आप लोग में गुस्सा है और आप लोग अपनी लगातार मांग करें, लेकिन सरकार सुन नहीं रही, क्या कहना चाहिए? सरकार सुन नहीं रही है, सरकार को सुनना ही होगा हमारी आवाज। हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं, अधिवक्ताओं को सरकार से हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। हम समाज के प्रहरी हैं एक तरह से देखा जाए, हम लोगों की रक्षा करते हैं, और पुलिस अगर करती है तो हम भी तो हैं। और हम लोगों के साथ जो ये बर्बरता पुलिस वालों ने करी है, ये बहुत गलत है। हम निहत्ते थे तो उन्होंने हम लोगों पे इतनी जानलेवा बर्बरता से उन्होंने हमें मारा पीटा, ये गलत है। और हम अपने प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करें, हम कोई गलत मांग नहीं करें। अधिवक्ताओं को इतना अधिकार है, अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं जाग रही है तो हम आज धरने पे उतरे हैं, कल हम संसद को भी घेरेंगे और दिल्ली भी पहुंचेंगे, दिल्ली भी कूच करेंगे हम। मैम सरकार इतना दावे करती है महिला को लेके, योजनाओं पे सशक्तिकरण को लेके, लेकिन जो छोटी सी बात है उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो। आप लोग की मांग है एसपी और डीएम का ट्रांसफर हो, लेकिन नहीं किया जा रहा, क्या कहना चाहिए? ये हम लोगों की मांग यही है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, और जो हम लोगों के अधिवक्ताओं पर जो इतनी लाठी क्रूरतापूर्वक लाठी मारी गई है, क्या हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है जो इस तरीके से उन लोग ने बर्बरतापूर्वक हम लोग को लाठी मारी है? अधिवक्ता सिर्फ पेन लेकर के चलता है, ना कि वो डंडा लेकर के चलता है। उन्होंने इस तरीके से महिला अधिवक्ता को मारा है कि आप लोग ने देखा होगा, इस तरीके से बर्बरतापूर्वक, जैसे लग रहा है कोई वो आतंकवादी है, वो इस तरीके से मारा गया जैसे लग रहा है कोई वो अपराधी है, जबकि वो अपराधी नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती उनको इस तरीके से। और हम लोग इतने एक हफ्ते से करीब हम लोग को 14 दिन हो गया है, 15 दिन आज हो गया है, प्रोटेक्शन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई सरकार कर नहीं रही है। क्या लगता है आप लोगों को, सरकार खाली बातें करती है महिलाओं के लिए लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं सर, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, जबकि हम लोग प्राइवेट वकील हैं, हम लोग को ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट से तनख्वाह मिल रही है। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे, आपके जो क्लाइंट आ रहे होंगे, काम वाम सब बंद है? सर हम लोग ने बंद कर रखे हैं, सर हम लोग सब एक है ना, काले कोट सब ने पहने, ऐसा नहीं है कि हम पीला पहने और वो काला पहने, तो सर हम लोग के साथ। आज आप लोग का क्या है, यही चौराहे पे या आगे कहीं? आगे भी जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा तक जाएंगे, क्योंकि योगी जी, हम लोगों ने कोई गलत मांगे नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जैसा कि आपने देखा, महिला अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार इनकी सुन नहीं रही है, और जो तस्वीरें हापुड़ से आई थी, जिस तरह से महिला अधिवक्ताओं को पुलिस के सिपाही ने मारा था, वो बड़ी शर्मनाक थी, और उसको लेकर इन महिला अधिवक्ताओं में काफी रोष है। तो सरकार को मसले में हल करना चाहिए, और इसको बीच में ये जो इतने दिनों से 15-16 दिन से विवाद चल रहा है, इसको खत्म करना चाहिए, जो भी बातें आपस में। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगी थी, अधिवक्ता लोग सब बैरिकेडिंग के पास चले गए और नारेबाजी करते हुए, बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं में रोष है, वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे ये तस्वीरों में,
कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और उधर उनको रोका गया, लेकिन बैरिकेडिंग पार करके अधिवक्ता आगे निकलते जाते हुए आप देख सकते हैं। वही मौके भी देखिए पुलिस बल भी खड़ी है, पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको रोका नहीं, पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको रोका नहीं गया और अधिवक्ता लोग आगे जाते हुए वही पुलिस बल भी उनके पीछे पीछे आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हाथ में पुतला बनाया है, ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद का पुतला बना के वी वॉन्ट प्रोटेक्टिव एक्ट और पुतला लेके आगे बढ़ते हुए वकील काफी रोश में है। ये सब कैसाबाद चौहान से पर्यटन चौक की तरफ जाते हुए आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं में रोश है और नारे लगाते हुए आप तस्वीर में साथ आप देख सकते हैं अधिवक्ताओं के द्वारा पुतला बना के फूका गया, उसको जलाया गया है और बड़ी संख्या में अधिवक्ता इस पर्यटन चौराहे पे आके अपना विरोध प्रदर्शन कराते हैं। स्वास्थ्य भाई चौराहे में पर्यटन चौराहे पे अधिवक्ता लोग बड़ी संख्या में अधिवक्ता पर्यटन चौक चौराहे पे आ गए और अधिवक्ता एकता धन्यवाद के नारे लगाते आइए बातचीत करते हैं। सर ये बताइए ये प्रदर्शन आके कैसे चलेगा? जो यदि मांग नहीं मानी गई तो विधानसभा का घेराव कल किया जाएगा। जी भाइयों 16 दिन हो गए हापुड़ की घटना को लेकर के, अभी तक सरकार के कान में जू नहीं लगी है। ये सरकार घमंडी सरकार, ये अधिवक्ताओं के ऊपर अत्याचार कर करके अधिवक्ताओं के शक्ति को दबाना चाहते हैं और ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। ये टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है अधिवक्ताओं में पुलिस में, ये देखिए बैरिकेडिंग को हटा दिया है, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद देख सकते हैं आप। ये लोग पर्यटन चौक स्टेडियम के पास पहुंचते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ सेंसिटिव आ गए अधिवक्ताओं पुलिस को पीछे बैरिकेडिंग को तोड़ के आगे जाने की बोल रही है, लेकिन अधिवक्ताओं को जाना बैरिकेड को हटाया जा रहा है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में आप अधिवक्ता आगे जाना चाहते हैं लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, वो जाने नहीं जा रहे। ये देखिए आप एक तरफ से रोका जाता है तो दूसरी तरफ से निकल आते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी इनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि आगे मत जाइए डीएम हाउस तक, लेकिन अधिवक्ता नहीं रुक रहे हैं, उनके दर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ रुक गया है और कुछ लोग आगे तरफ जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा वापस आ जाइए। वो लोग वापस आते हुए बहुत ही तनाव की स्थिति है इस टाइम। सर क्या कहेंगे आगे जाने से रोका जा रहा है आपको? गिरफ्तार कर ले हम रुक जाएंगे, हम गिरफ्तारी देने आए। मैडम ये आप देख सकते हैं उनका कहना है कि हम लोग गिरफ्तारी देने आए हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी उनको रोकते हुए वो लोग आगे बढ़ते हुए, लेकिन अधिवक्ता मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं हम आगे जाएंगे। ये आप तस्वीर देखिए डीएम हाउस तक आ गए, आइए बनाइए बनाइए पुलिस तुम्हारी तानाशाही। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना ये चाहेंगे कि योगी सरकार है, पुलिस प्रशासन बहुत ही बेबाक और निडर है जो किसी भी जनता को नहीं डरता है और डरने के साथ साथ ना ही अधिवक्ता को अधिवक्ता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाइए। आज भी पुलिस बराबर निरंतर अधिवक्ताओं के साथ आगे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं हजरतगंज, जब मौका पड़ा तो हम लोग विधानसभा भी घेराव करेंगे आज। अच्छा तो आपने सुना इन अधिवक्ताओं का कहना था कि अगर मौका पड़ा तो विधानसभा तक जाएंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं डीएम ऑफिस तक कुछ अधिवक्ता गए, फिर वहां रुक गए, वहां से ही वापस आए और इनको पर्यटन चौक पे रोक के नारेबाजी करते हुए ये हाथों में बैनर लिए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद देख सकते हैं मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए। ये थी लखनऊ से कैमरा पर्सन वाहिद के साथ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।